प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष कला की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हम प्रमुख देशों की शासन प्रणाली में साम्यवादी चीन का परिचय लेंगे। इससे पूर्व में मैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के परिचय मैंने आपको करवाए, आज मैं चीन का परिचय करवाना चाहता हूँ। चीन हमारे शासन प्रणाली के विषय में साम्यवादी देशों की झलक प्रस्तुत करता है। जब शीत युद्ध का वातावरण होता था तो इस के स्थान पर सोवियत संघ की शासन प्रणाली थी। मैं भी जब सेकंड ईयर का छात्र था, मैंने भी शासन प्रमुख देशों के संविधानों में सोवियत संघ का संविधान पढ़ा। वह दौर था जब साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में शीत युद्ध जोरों पर था। इसका प्रभाव अध्ययन के क्षेत्र में भी देखा जा सकता था, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अलग प्रकार की शासन प्रणालियां स्थापित और विकसित करने के प्रयास जारी थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात और साम्यवाद के अंत के पश्चात वो उदाहरण नहीं रहा और पाठ्यक्रम से उसे हटा दिया गया। उसके स्थान पर आपके पाठ्यक्रम में चीन शामिल है। अभी मैं शीत युद्ध में वैचारिक प्रतिस्पर्धा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था और मैं आपको बताना चाहता था कि चीन साम्यवादी शैली के शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन यहाँ पर अध्ययन में थोड़ी सावधानी रखनी है। वर्तमान समय में जो शासन प्रणाली है वो पूर्णतया साम्यवादी शैली की नहीं है, उसमें पूंजीवादी अंश भी पाए जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आप साम्यवादी चीन की शासन प्रणाली का अध्ययन करना है। अब प्रश्न उठता है कि साम्यवादी चीन हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है? आज इसके विशेष महत्व है। भारत का पड़ोसी देश है और तेजी से प्रगति करता हुआ देश है। इसी के साथ चीन इतिहास की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता वाला भी देश है। अतः आपको चीन के बारे में बहुत कुछ सीखना और समझना है, ये अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रणाली का अध्ययन एक प्रमुख उद्देश्य है। चीन इतिहास में राजाओं के शासन का में शासित रहा। ये विश्व से कटी हुई सभ्यता, अलग थलग सभ्यता थी। हिमालय पर्वत और अन्य प्राकृतिक कारण इसे दुनिया से एक अलग सी स्थिति प्रदान करते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में यहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई सन यात-सेन के साथ। लेकिन 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में यहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस साम्यवादी शासन के पश्चात 1954 में यहाँ पर साम्यवादी शासन प्रणाली का संविधान बना। अगर हम साम्यवादी शासन जो आर्थिक समानता पर आधारित होता है
अधिकतम व्यवहारिक स्थिति देखना चाहते थे या उसकी अनुभव करना चाहते हैं, तो ये समय था जब अधिकतम साम्यवाद की स्थिति थी। लेकिन 1975-1978 में चीन के नए संविधान बने, इसके पश्चात 1982 का संविधान बना। वर्तमान समय में चीन की शासन प्रणाली 1982 के संविधान पर आधारित है। हम कह सकते हैं कि चीन 1982 के संविधान के आधार पर संचालित होता है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि चीन में साम्यवादी शैली का शासन अपनाया गया है, लेकिन 1982 के संविधान में पूंजीवादी तत्वों का भी समावेश किया गया है। माओ त्से-तुंग के बाद चीन में डेंग जियाओपिंग का नाम उल्लेखनीय है और इन्होंने परिवर्तन की शुरुआत की, पूंजीवादी प्रवृत्तियों को भी अपनाया, इसको डेंगवाद कहते हैं। और डेंग का प्रमुख वाक्य था कि अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है। साम्यवादी चिंतन अमीरों और पूंजीपतियों का विरोध करता है, लेकिन डेंग के विचार इससे थोड़े अलग हटकर हैं। तो अतः चीन को हमें साम्यवादी शैली के प्रतिनिधि शासन के रूप में देखना है। वहीं चीन की नई प्रवृत्तियों का समावेश करते हुए हमें चीन की शासन प्रणाली को समझना होगा। यही आज की चीन की तेज गति से प्रगति का आधार है। अगर सोवियत संघ साम्यवादी शासन प्रणाली में विघटित हुआ, लेकिन चीन ने उन सब चीजों को देखते हुए पहले से ही अपने को बदलना शुरू कर दिया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चीन की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का अन्य विशेषताओं का जिक्र करता हूँ। चीन में साम्यवादी दल के एकाधिकार पूर्ण स्थिति है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से 1982 का संविधान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता और वे कहते हैं कि संगठित होने की दल बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये सैद्धांतिक वर्णन है। व्यवहारिक स्थिति यही है कि एक दल का एकाधिकार, साम्यवादी दल की एकाधिकार पूर्ण स्थिति। मैंने आपको ब्रिटेन और अमेरिका के लोकतंत्र की बात बताई, वे निश्चित रूप से आज सफल लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि इतिहास में उनको अवसर मिला था द्विदलीय शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित करने का। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए दो या दो से अधिक दलों की उपस्थिति आवश्यक है। तो चीन सैद्धांतिक रूप से तो बहुदलीय व्यवस्था की घोषणा करता है, लेकिन व्यवहारिकता में एक दलीय स्थिति है, एक दलीय शासन है और साम्यवादी दल का एकाधिकार है। परीक्षा में भी साम्यवादी दल का प्रश्न महत्वपूर्ण है। और अगर चीन की शासन प्रणाली को आप समझना चाहते हैं तो साम्यवादी दल को समझना एक महत्वपूर्ण, उसकी कार्य प्रणाली को समझना, उसके संगठन को समझना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेगी। चीन एकात्मक प्रणाली पर आधारित देश है। मैंने जब स्विट्जरलैंड के शासन की संक्षिप्त वर्णन कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि
छोटे देश में भी संघात्मक व्यवस्था अपनाना उनकी लोकतांत्रिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है, लेकिन चीन में स्थिति इसके विपरीत है। एक विशाल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ पर एक ही सरकार है और संपूर्ण देश में एक ही व्यवस्थापिका है, जिसे जनवादी कांग्रेस की संज्ञा दी गई है और इसकी जो सदस्य संख्या है लगभग 3000 के 2970 सदस्य संख्या है। इतनी विशाल कार्यपालिका के साथ, इतनी विशाल व्यवस्थापिका के साथ चीन की व्यवस्थापिका संचालित होती है, लेकिन इतनी विशालता के साथ वे स्थायी समिति की व्यवस्था करते हैं, जो इसका छोटा अंश है, और उसके माध्यम से भी महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रीय सैनिक आयोग है। यद्यपि प्रत्येक देश में सर्वोच्च कार्यपालिका सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन चीन में से एक अलग आयोग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और इसी के साथ न्याय व्यवस्था भी उल्लेखनीय है। चीन में न्याय व्यवस्था में जो प्रोक्यूरेटर जनरल हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। चीन जो साम्यवादी पक्ष है, आर्थिक पक्ष, उस पर ज़्यादा बल देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता पर वे कम महत्व देते हैं। यद्यपि चीन का संविधान मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी राजनीतिक स्वतंत्रता के स्थान पर आर्थिक समानता के पक्ष साम्यवादी शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण रहे हैं। शासन प्रणाली को समझने के लिए, चीन की शासन प्रणाली को समझने के लिए, साम्यवादी देशों की शासन प्रणाली को समझने के लिए एक प्रमुख सिद्धांत लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। ये दो परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाया गया है। लोकतंत्र का समानार्थक शब्द विकेंद्रीकरण है और केंद्रवाद का समानार्थक शब्द तानाशाही है। इसमें लोकतंत्र के अंतर्गत सीमित स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे नीचे की इकाई, ऊपर की इकाइयां नीचे की इकाइयों से चुनी जाएंगी। दूसरे, आप अपने भावनाएं विचार शासन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये सीमित रूप से प्रदान किए गए हैं। केंद्रवादी तत्व के रूप में ऊपर की इकाइयां नीचे की इकाइयों को आदेश दे सकती हैं और ऊपर की इकाइयां नीचे की इकाइयों का निरीक्षण कर सकती है। ये अधिक प्रभावकारी तत्व है और ये चीन की शासन प्रणाली को तानाशाही की तरफ ले जाता है। ये प्रमुख विशेषताओं का मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। आज की जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें चीन तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारे उत्तर पूर्व में स्थित ये देश, हमारा निकटवर्ती देश होने के नाते आपको भी चीन पर पर्याप्त जानकारी और वहाँ की शासन प्रणाली को समझना है। धन्यवाद।